साद उम्मीद है आप सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी वीडियो सर्दियों के हवाले से, विंटर्स के हवाले से एक लाइफ सेविंग वीडियो होने वाली है, और मैं आप लोगों को लाजमी सजेस्ट करूँगा कि वीडियो तक लाजमी देखें। इसमें जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये आप लोगों की बिल्ली की जान बचा सकते हैं अगर आप लोग ये ध्यान से सुन लेते हैं। और इनमें मैं चंद बीमारियों का या चंद चीज़ों का जिक्र करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनका ख्याल रखना विंटर्स के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा जानलेवा भी हैं। छोटी सी वीडियो होगी, वीडियो के अंदर तक लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथर्मिया की। अब हाइपोथर्मिया बेसिकली कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन हाइपोथर्मिया कहते हैं जब किटन का या कैट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। अक्सर 97 से नीचे जब टेम्परेचर जाता है तो किटन की या कैट की सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल हो जाती है। अक्सर शायद आप लोगों ने, जिन्होंने कैट्स पाली हैं बहुत टाइम से, शायद उन्होंने देखा होगा कि अक्सर कैट आपकी रात को ठीक होती है और सुबह के टाइम आप देखते हैं तो उसकी डेथ हो जाती है, और आप समझते हैं कि ये अचानक से किस तरह हो गया। तो अक्सर इसमें हाइपोथर्मिया का ही रोल होता है कि हाइपोथर्मिया की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है और कैट की डेथ हो जाती है। अब टेम्परेचर किस तरह से लो होता है, अक्सर आपकी कैट को अगर कोई बीमारी है, छोटी मोटी कोई किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, तो जो इम्यूनिटी सिस्टम है या जो कैट की बॉडी है वो हीट खुद से जनरेट करना छोड़ देती है, खुद से वर्क करना छोड़ देती है। इस वजह से वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती और टेम्परेचर जो है उसका गिरता रहता है। अक्सर एनेस्थीजिया जब आप देते हैं कैट को सर्जरी के लिए, कटिंग के लिए, उसके अलावा जब आप कैट को बाथ देते हैं, उसके बाद जो है वो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। अब इससे किस तरह से बचा जा सकता है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग दो चीज़ें अपने घर में लाजमी रखा करें, एक हीटिंग पैड सर्दियों के अंदर खास तौर पर, और एक डिजिटल थर्मामीटर। हीटिंग पैड से ये होगा कि अगर आपकी कैट हीटिंग पैड ले लें या थर्मोल वाली बोतल ले लें, जिसमें आप बोतल को गर्म करके कैट के पास रख लें, उससे ये होगा कि अगर जब आप टेम्परेचर चेक करेंगे अपनी कैट का, अगर वो 100 से कम है या फिर 99 से कम है, तो आप उसको थोड़ा सा हीट दें, उसको हीट पैड से दें या फिर उसको हीट वाली बोतल से उसको जो है ना आप उसको गर्म करें, ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल आए। और अपने अगर उसका कंटिन्यूसली अगर उसका टेम्परेचर लो हो रहा है, 97 से नीचे जा रहा है, तो अपने लाजमी अपने वेट से लाजमी कंसल्ट करें। और दूसरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो कि वायरल इन्फेक्शन या वायरल डिजीज़ से रिलेटेड है, मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि अपनी कैट्स को लाजमी वैक्सीनेशन करवाएं। वो कुछ लोग सीरियस लेके करवाते हैं और उसका फ़ायदा भी होता है उनको, जो नहीं करवाते वो बाद में कहते हैं कि हाँ यार हमने नहीं करवाई थी, हमारी कैट उस वजह से डेथ हो गई। और सर्दियों के अंदर वायरल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। अक्सर इस तरह होता है कि आपकी कैट के अंदर वायरल जो है वो होता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता। अगर आप बाथ देते हैं और वायरल जो है वो एकदम से अटैक करता है, या कोई बीमारी आती है और एकदम से अटैक करता है, उसके बाद बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पाकिस्तान में नॉर्मली कैल्सी वायरस, FPV और FIP जो है ये पाया जाता है। FIP की तो कोई वैक्सीनेशन नहीं है, उसको आप नहीं रोक सकते किसी भी तरीके से अगर उसने आना है तो। FPV और फैलेंगोनिया वायरल डिजीज़ और कैल्सी वायरस, इसको आप वैक्सीनेशन के थ्रू जो है वो रोक सकते हैं। अपने कैट्स की प्रॉपर वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। वैक्सीनेशन से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं, प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो मैं यहाँ भी पॉपअप में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक होगा, आप लोग वहाँ पे जाके प्रॉपर वैक्सीनेशन से रिलेटेड सारी जो तफसीलात है, डिटेल्स हम आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ऑनलाइन स्टोर विज़िट नहीं किया तो लाजमी कर लें, यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, जिनमें शैम्पूज, फ़िश ऑयल, मल्टी विटामिन और ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो आपके कैट्स एंड डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और फिर अक्सर इस तरह होता है कि आप लोगों की कैट्स जो हैं वो विंटर्स के अंदर डिलीवरी देती हैं और आपके किटन्स जो हैं वो मर जाते हैं अक्सर, उसके पीछे भी हाइपोथर्मिया का ही रीज़न होता है। जब किटन आते हैं, डिलीवरी देती है कैट, तो उस टाइम उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हीट की ज़रूरत होती है, और आप लोगों को स्पेशली अरेंज करनी चाहिए वहाँ पे उनके लिए, कोई वहाँ पे बल्ब लगा दें, कोई 100 वॉल्ट का या इस तरह का, जिससे उनको हीट मिले, या हीटर उनके आसपास रखें। जिस कमरे में है वो कमरा वार्म होना चाहिए, ताकि आप लोगों की जो किटन्स हैं उनकी डेथ ना हो, क्योंकि उस टाइम मदर तो उनको हीट देती ही देती है, लेकिन उसके अलावा भी एक्स्ट्रा हीट की उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये मसला भी बहुत ज़्यादा आता है सर्दियों के अंदर कि काफ़ी ज़्यादा किटन्स जो हैं वो उनका लॉस हो रहा होता है। गर्मियों में ऐसा कोई सीन नहीं होता इतना ज़्यादा कि गर्मी या सर्दी की वजह से जो है वो गर्मियों में इस टाइम मसला हो, लेकिन सर्दियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को एहतियात करनी पड़ती है। और आप लोग ये चीज़ पहले से तैयार करके रखें, जब आप लोगों को पता है कि आपकी कैट ने डिलीवरी देनी है, तो पहले से वो जो कमरा है उसको वार्म करके रखें, या वहाँ पर हीटर का या फिर वहाँ पे जो है किसी भी तरह से हीट का जो सोर्स है वहाँ पे लाजमी रखें, ताकि आप लोगों को ज़्यादा मसला ना हो बाद में। और आखिर में सर्दियों में नमूनिया की या कोल्ड की या कफ़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कैट को, सर्दी की वजह से ही बेसिकली जो है वो ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। नमूनिया अगर आपकी कैट को हो जाता है, अगर आपकी कैट बहुत ज़्यादा स्नीजिंग कर रही है
उसका डिस्चार्ज हो रहा है नाक से, और आपको लगता है कि उसकी इस कंडीशन में तो आपको डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए और उसी टाइम जाना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन ऐसे ऐसे क्रिटिकल होती जाती है और बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कैट के। और अगर कोल्ड हैं या कफ़ है, आपको लगता है कि वो बार बार जो है वो स्नीजिंग कर रही है खाली, तब भी आपने डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं। अब सर्दी से बचने का तरीकेकार वही मैंने आपको बताया कि वार्म होना चाहिए आपका जो रूम है। उसके अलावा अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, अब लाहौर की बात करूँ या मैं कराची वगैरह की बात करूँ, तो इन एरियाज़ में ज़्यादा सर्दी नहीं होती। लेकिन अगर इस्लामाबाद की बात करें और दूसरे शहरों की बात करें जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ है पाकिस्तान में या इंडिया में, जो उनके एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, वहाँ पे तो ख़ासतौर पर आप लोगों को इनके लिए स्वेटर्स, इनके लिए जो है वो जैकेट्स वगैरह का इंतज़ाम करके रखना चाहिए, क्योंकि कैट्स को सर्दियों से बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाजमी लाइक एंड शेयर करें, और मुझे बताएं मैं सर्दियों में और भी किस हवाले से आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेके आऊँ, ताकि आप लोगों की कैट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी कैट्स की केयर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।